हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम यहाँ पे देखिए, आज 7 दिए, 1 जनवरी है, तो 7 दिए यहाँ रखी हूँ। और इधर कान्हा जी को स्नान करने से पहले सारे सब कुछ मैं रेडी कर लेती हूँ। यहाँ भोग भी सब ठीक करके रख ली हूँ। अब बाहर चल जाती हूँ फूल तोड़ने के लिए। फूल तो ज़्यादा है नहीं, तो गुलाब मिला है और इधर गेंदा है, इसे लेके मैं अपने मंदिर चले आती हूँ। देखिए, यहाँ कान्हा जी नहाने के लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को मालिश करूँगी, क्योंकि विंटर का समय है तो ठंड तो लगती है, तो इसीलिए पहले सबसे पहले घी से मालिश करेंगे। तो देखिए कितने सुंदर कान्हा जी बैठे हुए हैं मालिश करने के लिए। और इसे मैं सब जगह अच्छे से मालिश करूँगी। आप लोग भी विंटर के समय में कान्हा जी को तेल या घी से मालिश कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा घी से ही मालिश करती हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है। और देखिए कितने सुंदर से कान्हा जी भी चमकने लगे हैं, अच्छा भी रहता है। और कितने सुंदर कान्हा जी मालिश ले रहे हैं। और इधर थोड़ा मधु भी लगा देती हूँ, मधु भी लगाना अच्छा रहता है, तो सब जगह में मधु से भी थोड़ा थोड़ा करके मालिश कर देंगी। करने के बाद देखिए, उसके बाद मैं कान्हा जी को नहाऊंगी। तो कितने सुंदर से देखिए मालिश हो रहा है, और कितने सुंदर भी लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं। देखिए, अब कान्हा जी नहाने के लिए रेडी हो गए हैं, तो इसे मैं नहा दूंगी। तो पहले सबसे पहले मैं गुलाब की कुछ पंखुड़ी को लेके पानी में डाल लूँगी। और कान्हा जी नहाने के लिए देखिए बैठे हुए हैं, और कुछ तुलसी पत्ता भी मैं जल में डालकर फिर कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। तो देखिए, तुलसी पत्ता मैं ले ली हूँ। और नहाने से पहले मैं कान्हा जी को बोलती हूँ ओम नमः भगवते वासुदेवाय। उसके बाद मैं देखिए नहा दे रही हूँ कान्हा जी को। कान्हा जी को नहाते देखिए कितने सुंदर से कान्हा जी नहा रहे हैं, और अच्छे भी लग रहे हैं, कितने सुंदर क्यूट लग रहे हैं। देखिए कितने सुंदर, और घी से जो घी लगाए थे उससे चमक भी आ जाती है, तो अच्छा रहता है। और अच्छे से देखिए मैं पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद इसे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का घी लगा रहता है, तो उसे अच्छा से पोंछ लेते हैं। और इधर देखिए कान्हा जी को पैंट पहना दिए हैं, तो कान्हा जी रेडी है। और उसके बाद मैं कान का पहनाऊंगी, तो नए साल था तो इसीलिए मैंने ब्लू कलर का देखिए कान का ली हूँ, तो उसे पहना दूंगी। और आज ब्लू कलर का ड्रेस पहनेंगे कान्हा जी। मैं खुद ही सिलाई की हूँ, अच्छा लगता है जब मैचिंग हो जाता है, तो क्योंकि हम लोग भी रेडी होते हैं तो मैचिंग करके पहनते हैं, सब कुछ मैचिंग होता है। इसलिए कान्हा जी को भी मैं कान का ड्रेस उसका मैचिंग से पहना दी हूँ। पहनाने के बाद देखिए मैं सारा श्रृंगार यहाँ कान्हा जी को कर दिए हैं। कान्हा जी देखिए कितने सुंदर, कितने क्यूट लग रहे हैं यहाँ देखिए। उसके बाद साथ मैंने दिए लगाई थी, तो उसको जला देती हूँ। जलाने के बाद फिर देखिए यहाँ कान्हा जी को टीका लगा देती हूँ, चंदन का टीका लगाने के बाद। मैंने तो श्रृंगार पहले ही कर दिया था, और यहाँ गणेश और लक्ष्मी है तो उनको फूल चढ़ा देती हूँ पहले। फिर पहले बोलते हैं ना कि गणेश जी को पहले पूजा होता है, तो उसे पहले दिया आरती करके फिर वहाँ रख देती हूँ। रखने के बाद फिर एक दिया मैं लक्ष्मी मैया को भी आरती देखी दिखा के मैंने यहाँ भी एक दिया रख दिए हैं। और उसके बाद एक दिया फिर यहाँ शिव भगवान है, तो शिव भगवान को भी मैं चंदन टीका पहले कर दी थी, तो करने के बाद यहाँ भी आरती कर ली है और दिया रख दिए हैं। और फिर देखिए एक दिया फिर यहाँ दुर्गा माता है, वहाँ भी मैं फूल चढ़ाने के बाद वहाँ भी एक दिया रख देते हैं, क्योंकि 1 जनवरी को सब जगह दिया जलाने से अच्छा लगता है और अच्छा भी रहता है। फिर बाहर चले आए तो अपने आंगन में देखिए तुलसी माता है, तुलसी मैया को आरती करके दिया करके मैं वहाँ भी एक दिया रख दी। रखने के बाद यहाँ देखिए एक मेरे यहाँ शमी पेड़ है, शमी पेड़ पास भी एक दिया मैं यहाँ जला दी।
जला देने के बाद इसी तरह मैं साथ दिया आज जलाई। जलाने के बाद मैं अपने मंदिर में चली आई हूँ और कान्हा जी को देखिए मैं अब यहाँ फूल चढ़ाई। फूल चढ़ाने के बाद कुछ फूल चढ़ा दिए हूँ और कान्हा जी आज कितने सुंदर है, कितने क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कान्हा जी को देखिए दिया आरती कर लूँगी। तो दिया आरती करने के अच्छे से मैं कर लेती हूँ। करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैंने लड्डू और सेव का भोग लगाई थी तो उसको कान्हा जी को खिलाएंगे और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि भोग आप ग्रहण कर लीजिए और जो भी गलती हो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि भूल चूक तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो इसीलिए माफ़ी मांग लेना सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ भी देखिए मैंने पानी भी पिला दिए हैं और उसके बाद देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं मुझे। मैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे।